खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक सबसे पहले तो आप सब लोग हो। और ये मेरा रमज़ान का पहला व्लॉग है और अभी हम लोग आए हुए हैं लासिक स्क्वायर। हम लोगों ने सोचा कि अच्छा मेरे साथ वकार मौजूद है, मेरा एक ही दोस्त है जो कि मेरे साथ घूमता फिरता है। तो अभी हम लोग आए लासिक स्क्वायर और हम लोगों ने तकरीबन गंबा बोटी वगैरह का मूड हो रहा था क्योंकि अफ्तार के बाद जो सुस्ती होती है ना निकलने का, कहीं भी दिल नहीं चाहता। मैं तो निकलूँ का बहुत दिनों से बाद, लेकिन आज मैं सोच चलूँ कहीं चलते बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था। तो अभी हम लोग आए हैं लासिक स्क्वायर गंबा बोटी अफगानी पुलाव वगैरह खाने के लिए। तो अभी ऑर्डर दिया बल्कि अभी ऑर्डर के लिए उसको बुलाया, ऑर्डर देंगे और फिर आप लोग दिखा देंगे सीन साथ। चलो देख लेंगे मेन्यू में क्या है। यार मेरे ख्याल से वगैरह दुम्बा बोटी हो जाए और देखो चपली कबाब तो मस्त है, उसके बाद आप सीखों का भी देख लो। अफगानी पुलाव मंगवा लेते हैं, अफगानी पुलाव एक कर दो डबल। अच्छा ये अफगानी दुम्बा बोटी माशाल्लाह इन्होंने 900 रुपए बिल्कुल ही हद पार हो गई है। दिन ब दिन हमें लास्ट में देगा नहीं इतने ही है। दुम्बा बोटी कर लेते हैं और मेरे ख्याल दुम्बा बोटी कुछ दिनों में सुनार की दुकान में थी, थैलियों में बिकी होगी। ये अफगानी सीख बोटी दर्जन, ये क्या चीज़ है यार? वो अलग है, वो पुलाव है, पुलाव है। खैर तुम इसको आधा मंगवा लो, आधा दर्जन में खा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बोटी कर लो दर्जन। हाँ। और बाकी कर लो ये पुलाव कर लो, पुलाव कर लो सही है। हाँ और एक चपली कबाब सही है। ठीक अच्छा तो अब आ चुके हैं ये जबरदस्त सा अफगानी पुलाव और अभी सीखे वैसे आ रही है, बोला हुआ उसको तो टूर से पुलाव चपते हैं और बताते हैं पुलाव कैसे। वैसे पुलाव मेरा पर्सनल फेवरेट है यहाँ का, और अगर आप यहाँ आए और अपने अफगानी पुलाव नहीं खाए क्योंकि यहाँ की स्पेशलिटी है तो कुछ भी नहीं किया, तो अभी पुलाव खाते हैं बात। ये बहुत जबरदस्त और बीफ पुलाव भी। तो हाँ क्या मैं कह रहा हूँ फाके तो चल रहे हो रमजान में, तो एक काम करो मेरे पास तुम 8 बजे पहुँच जाओ फजर की नमाज। क्या करने आओगे सकते तुम? भाई यूनिवर्सिटी आप मेरे को छोड़ दो, 9:20 तक आ गया। भाई यूनिवर्सिटी है तो उसमें मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें क्या पिजन को ड्राइवर लग रहा है? रमजान का महीना सवाब कमाओ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊँगा। सवाब का तुमसे क्या कर लोगे? तुम्हारे पास चलने वैसे इंसान क्या मदद और सवाब नहीं मिलेगा आपको? क्या कह रहे? चलो मैं एक काम करूँ, 8 बजे सारी बात ये है। मैं काम कर रहा हूँ, 8 बजे नहीं मैं इसको साल दे आया था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? फाके वाला तो 6 बजे भी आ सकता है और सही टाइम में खड़े हो सकते। चलो ठीक है सही है, यहाँ बहुत ठंडी नहीं करो बिल्कुल। खैर खाना खा लिया और अच्छा था, सही है सारा सेटअप अच्छा है यहाँ का। मैं कहूँगा कि माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, एम्बियंस अच्छा है।
खाना भी नो डाउट अच्छा है, खाना भी इतना बुरा नहीं है, बस ये है कि जो चपटे कबाब है उसमें थोड़ा सा इशू है, मुझे वो पसंद नहीं है। आप बेहतर है आगे के यहाँ के मुकाबले में, बाकी दुम्बा बोटी अफगानी आप वाले पुलाव और सॉल पॉइंट और बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, आए ज़रूर यहाँ पर इन्जॉय करें और अच्छा सीन अच्छा होगा। अब ये है कि घर चलते हैं और ये कि अभी शहरी है फिर अच्छा, मैंने सोचा है कल फिर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ये ब्लॉग आज एंड नहीं होगा, ये मैं कल एंड करूँगा। मैंने कुछ और कैसा आए घर में इफ्तार का सीन होता है क्या सब कुछ है रमज़ान चल रहा तो वो भी अभी, और बस अब ब्लॉग को लंबा करेंगे घर चलेंगे फिर बात करते हैं। ओके अब तो मैं घर तो आ चुका हूँ और अभी थोड़ा सा काम करना है और शहरी में अभी तकरीबन 2 घंटे रहे हैं, तो ये है कि थोड़ा सा काम करता हूँ पहले, उसके बाद फिर ये कि शहरी में आप लोगों से मिलते हैं दिखाते कैसे में। अभी मुझे करना है एक ब्लॉग एडिट, और हाँ जो लोग मुझे यूट्यूब के अलावा देख रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म पर, तो ये मेरा चैनल है जमात दूधी, आप लोग सर्च कर सकते हैं, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके फ़ौरन सब्सक्राइब करें। अच्छा बाकी ये कि मैं अभी सोच रहा हूँ कुछ टॉपिक पर पॉडकास्ट वीडियोज़ बनाने के लिए, और इसके अलावा चैलेंजेस बहुत ज़रूरी चैलेंजेस, मैंने अपनी चैनल पर 3 से 4 चैलेंजेस डाले और बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि और भी चैलेंजेस बनाओ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं पॉडकास्ट के टॉपिक्स कि किस टॉपिक में वीडियो बना सकता हूँ, और इसके अलावा चैलेंजेस के बारे में मुझे बताएं कि किस टॉपिक मतलब क्या चैलेंज हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखें। बाकी ये कि बस सब्सक्राइब करें चैनल को। 2 hours later अच्छा वीडियो तो यहाँ पर एडिट हो रही है और टाइम हो गया है 4:25 तकरीबन, और शहरी का टाइम निकल रहा है, शहरी तकरीबन 5 बजे हो जाती है, 5:15 बजे तो बहुत कम टाइम रह गया। अब ये कि देखते हैं क्या चीज़ अवेलेबल है फ्रिज में, हाँ कुछ खाने पीने का तो कुछ होगा नहीं, देखते हैं। अच्छा ये बाकी खजूर है, इसका शेक ही बनाना पड़ेगा, जिससे कि कुटियाँ निकालनी पड़ेंगी पहले, फिर इसकी कुटियाँ थोड़ा निकाल दूँगा जाएगी इसके अंदर, चलो भाई चलो 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 डालना होगा कल से इतना बहुत। ये शेक तैयार, बहुत ज़बरदस्त। अब ये कि बस शहरी का टाइम है, शहरी कर रहे हैं, थोड़े से टाइम रह गए तकरीबन, अभी 15 मिनट रह गए, 15 मिनट भी नहीं आधा घंटा, तो अब शहरी है, बहुत ज़्यादा थकन हो गई है, बस अब सोऊंगा और ये वर्ष वीडियो एडिट हो जाए इसके वेट में हूँ, उसके बाद फिर ये कि कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अभी ब्लॉग एंड नहीं हो रहा है यहाँ पर, कल मिलते हैं और कल इफ्तारी का भी सीन दिखाते हैं इफ्तारी में क्या होता है, बाकी ये कि फिर कल इस वीडियो को एंड करेंगे। The next day. हाँ तो भाई मैं सो के उठ चुका हूँ और तकरीबन अफ्तारी में अभी आधा घंटा रह गया, आधा घंटा 45 मिनट रह गया, और कल रात में बहुत ज़्यादा लेट सो गया था, रात में खैर सुबह ही हो गई थी, तो उठा भी खैर बहुत ज़्यादा लेट ही, तो अभी ये कि बाहर चलते हैं चेक करते अफ्तारी में क्या बन रहा है, फिर आप लोग अपनी खाते हैं। अफ्तारी में चीज़ें बन गई हैं और ये इफ्तारी हो चुकी है और मैं बस अब इस व्लॉग को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, और हमारे घर में भी इफ्तारी ऐसी होती है, दिखाया मैंने आप लोगों को कल हम लोग गए कैसे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन जाके नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। बाकी एक इस व्लॉग को एंड करेंगे, थैंक यू सो मच, मैं जब भी बाहर जाऊँगा मैं सोच रहा हूँ रोज़ाना ही व्लॉग बनाऊँ, तो
बस थोड़ा टाइम नहीं होता, बाहर जाने का मसला होता है। तो खैर ये कि बस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू गाइस लाइक इट। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।